हेलो दोस्तों, अभी तक अपन ने इस सीरीज में जाना था कि कंपनी कैसे फंड रेज करती है, कंपनी कैसे मार्केट से पैसा उठाती है, कौन कौन से तरीके हैं कंपनी के पैसे उठाने के मार्केट से। आज अपन जानेंगे कि जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को उसका कुछ हिस्सा शेयर करती है प्रॉफिट का, उसे डिविडेंड कहते हैं। तो अपन डिविडेंड के बारे में आज विस्तृत से जानेंगे बिल्कुल। तो आपने अगर इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये चैनल इसी तरह से मार्केट के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जितने भी टर्मिनोलॉजीज है सबके बारे में डिटेल से हम वीडियो प्रेजेंट करते हैं इस चैनल पर। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इस चैनल को ग्रो करने में अपना सहयोग दें। अगर आप मेरा सहयोग करते हैं तो हम इसी तरह इस चैनल पे बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे वीडियो डेली अपडेट करने का कोशिश करेंगे। तो आज अपन बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड का बेसिक मतलब होता है समभाग हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा। जो भी मुनाफा कंपनी को हुआ है उसका एक हिस्सा। डिविडेंड हमेशा कैश फॉर्म में ही दिया जाता है। मतलब आपको डिविडेंड देना है तो आपको शेयर होल्डर, जो भी आपके कंपनी का इन्वेस्टर है, जिसने भी आपकी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ये सीधा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये पैसा सीधा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एक तो ये हुआ कि ये कैश फॉर्म में दिया जाता है, दूसरा सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, और इससे कंपनी के लिए नुकसान भी है। कंपनी को क्या नुकसान है और इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि डिविडेंड देने से कंपनी का बहुत सारा पैसा जो कंपनी के पास है वो बाहर चला जाता है। बाहर कैसे चला जाता है कि आपने जो कंपनी का रिज़र्व है, कंपनी के पास अभी सोच लो 10 करोड़, 20 करोड़, जो भी उसकी सेविंग है, उसमें से अगर वो डिविडेंड देती है तो वो उसके इन्वेस्टर को सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो कंपनी का बहुत सारा पैसा बाहर चला जाता है। और दूसरी बात, अगर कंपनी डिविडेंड देती है और बैंक अकाउंट में देती है तो उसके डिविडेंड पे टैक्स लगता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसको गवर्नमेंट को देना पड़ता है कंपनी को, तो वो भी कंपनी को लगता है। और ये तो हुए कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट कि कंपनी को डिविडेंड देने से क्या नेगेटिविटी है। दूसरा है कस्टमर को, अपने इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है इससे। इन्वेस्टर को ये बेनिफिट है कि इन्वेस्टर को सीधा पैसा, जो भी उसकी डिविडेंड उसको मिल रहा है, वो सीधा उसके बैंक अकाउंट में आता है। उसको एक एक्स्ट्रा है वो एक तरह से, क्योंकि कंपनी का अगर शेयर प्राइस बढ़ रहा है वो अलग है, डिविडेंड मिल रहा है उसको, वो उसके लिए एक्स्ट्रा है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि डिविडेंड टैक्स फ्री होता है। डिविडेंड पे इन्वेस्टर को कोई टैक्स नहीं लगता है। ये लिमिट अभी 10 लाख रुपये है, 10 लाख रुपये तक आपको डिविडेंड मिलता है तो वो टैक्स फ्री रहेगा। अगर आप बैंक में सेविंग भी करवाते हो, बैंक में अगर 7-8% का ब्याज भी मिलता है तो उस पर भी टैक्स लगता है। तो डिविडेंड आपके लिए टैक्स फ्री है, तो ये बहुत अच्छी बात है इन्वेस्टर के लिए या रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो अपन ने समझा कि इसमें सिर्फ इन्वेस्टर का ज़्यादा फ़ायदा है और कंपनी का कुछ नेगेटिव पॉइंट है, बट ऐसा नहीं है। कंपनियां डिविडेंड देती है रेगुलरली, और इसमें छोटी कंपनियां बहुत कम डिविडेंड देती है। छोटी कंपनियां मतलब जो स्मॉल कैप होती हैं, मिड कैप होती है, वो डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि उन कंपनियों को अपना बिजनेस बड़ा करना होता है, उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो अगर बिजनेस बड़ा करना है तो वो डिविडेंड बहुत कम देती है, बहुत कम चांस है कि वो डिविडेंड देगी, और अगर देगी तो बहुत कम हिस्सा देती है डिविडेंड का। और जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कोई भी एक इंडस्ट्री का लीडर मान लो, जो अपनी इंडस्ट्री के पीक पे है, बहुत सारी ग्रोथ उसने कर चुकी है, और अब उसके पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो और ज़्यादा ग्रोथ करे, या फिर वो एक पीक लेवल पे आ जाती है कि बस ये कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब इसके लिए बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई समझो कि इतना मार्केट बचा नहीं है जितना मार्केट
कैप्चर करना था वो कर चुकी, तो उसको जो प्रॉफिट होता है तो कंपनी वो मैक्सिमम डिविडेंड में ही बांट देती है। तो आपने देखा होगा कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे ONGC गेल हुई, रिलायंस इंडस्ट्रीज हुई, जो भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मैक्सिमम ज़्यादा डिविडेंड देती है, और जो छोटी कंपनियां होती है वो कम डिविडेंड देती है। और कंपनियों के ऊपर ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि डिविडेंड बिल्कुल देना ही देना है, ये उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर निर्भर करता है कि डिविडेंड दे या डिविडेंड ना दे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अगर 10 साल से डिविडेंड दे रही है तो वो आने वाले 10 साल भी रेगुलर डिविडेंड देगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर निर्भर करता है, अगर उनको लगता है कि डिविडेंड देना चाहिए तो डिविडेंड दिया जाता है, अगर उनको लगता है कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, कंपनी को कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वो डिविडेंड नहीं भी दे, ऐसा कंपनी पे फोर्स नहीं है कि वो डिविडेंड दे ही दे। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, जो मार्केट में चल रही है जो मार्केट वैल्यू है उसके शेयर की, उस पर डिविडेंड नहीं दिया जाता है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। फेस वैल्यू उसकी एक नॉमिनल वैल्यू होती है जो IPO के टाइम डिसाइड की जाती है, जो 1 से 10 तक हो सकती है, उस पर डिविडेंड दिया जाता है। क्यों, इसका रीज़न ये भी है कि मार्केट की जो प्राइस है, मार्केट वैल्यू है, उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसमें डिविडेंड नहीं देते हैं, डिविडेंड फेस वैल्यू पर दिया जाता है। फेस वैल्यू एकदम स्टेबल रहती है, बिल्कुल अनचेंज रहती है फेस वैल्यू। तो अपन इसके बारे में डिटेल से एक एग्जांपल से समझते हैं कि डिविडेंड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिविडेंड को। एक कंपनी है, सपोज करो ABC लिमिटेड नाम से एक कंपनी है, उसने उसका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपये मान के चलते हैं, मार्केट CMP मार्केट प्राइस है उसका 1000 रुपये मार्केट प्राइस है। अब कंपनी कहती है कि हम 200% का डिविडेंड दे रहे हैं, 200% मतलब फेस वैल्यू का 200%, न कि मार्केट प्राइस का 200%। हमेशा डिविडेंड परसेंटेज में दिया जाता है, बट वो फेस वैल्यू का परसेंटेज होता है। तो कंपनी ने कहा हम 200 का डिविडेंड देंगे, 200% का, तो वो फेस वैल्यू का होगा। तो डिविडेंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू कितने प्रतिशत का डिविडेंड दिया डिवाइड बाय 100। फेस वैल्यू इनटू जितने प्रतिशत का डिविडेंड दिया डिवाइड बाय 100, तो डिविडेंड आ जाएगा कि 20 रुपये का डिविडेंड दिया कंपनी ने, ये उसकी फेस वैल्यू पे 20 रुपये का डिविडेंड दिया। अब उसी तरह होता है डिविडेंड यील्ड, जो फंडामेंटल एनालिसिस में काफ़ी यूज़ में लिया जाता है ये पैरामीटर, कि डिविडेंड यील्ड क्या होती है। यील्ड बेसिकली ये होती है कि आपका जो CMP करंट मार्केट प्राइस है उसका कितना प्रतिशत आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो ये होती है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड को अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिविडेंड यील्ड अपन कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस है इसकी 1000 × 100 × 100, तो अपने को डिविडेंड यील्ड मिल रही है 2%। मतलब इसका बेसिक मीन्स ये होता है कि आपकी जो मार्केट प्राइस है उसका 2% आपको डिविडेंड मिलता है, ये हुई डिविडेंड। तो यहाँ तक अपन ने समझा कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड किस फॉर्म में दिया जाता है, डिविडेंड कब दिया जाता है। तो इस वीडियो में अपन ने जाना कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है,
यील्ड बेसिकली जितना डिविडेंड मिल रहा है आपको करंट मार्केट प्राइस पे, वो कितना प्रतिशत है करंट मार्केट प्राइस का, जितना एक शेयर पे आपको डिविडेंड मिल रहा है 10 रुपये 20 रुपये, वो करंट मार्केट प्राइस का कितना प्रतिशत है, ये होता है डिविडेंड यील्ड। तो इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है, कुछ आपको नॉलेज मिला है, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू।